नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर गतिरोध जारी है। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत करती रहेगी। इधर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का एक नया फॉर्मूला भी सामने आ रहा है। जानिए इस रिपोर्ट में क्या है ये फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक ढाई ढाई साल शिवसेना और एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा और पूरे 5 साल के लिए कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री होगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी और महबूबा मुफ्ती वैचारिक मतभेदों को दूर करते हुए साथ काम कर सकते हैं तो मौजूदा स्थिति में उनकी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम करने का फॉर्मूला खोज लेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी के पीडीपी और नीतीश के साथ समझौते की जानकारी मंगवाई है, जिससे ये समझ सके कि अलग अलग विचारधारा वाले दल कैसे साथ आते हैं। एक सवाल के जवाब में उद्धव ने यह भी कहा कि विकल्प बीजेपी ने खत्म किए हैं, उनकी पार्टी ने नहीं। बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अनाधिकारिक माध्यमों से अभी भी संपर्क कर रही है। ठाकरे ने कहा वे हर बार अस्पष्ट और अलग अलग प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन हमने कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का निर्णय लिया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।